भाई रूपोंदे जी की कथा। बोलियो जमाल घर अवतार की, थोड़ी जय बोलिया करो थी। अलख निरंजन आप हो, अलख निरंजन आप हो, और बाबा ईश्वरी के अवतार। घट घट की जानो सदा, तो तेरा महाराज कवार। तो प्यारे सजनो, बाबा रामदेव जी महाराज रो अवतार समत 1461 और भादवा सुरी दी शनिवार के दिन अजमाल जी तमर ने घरे आया। भगवान रामदेव जी महाराज को अवतार बाड़मेर जिले रे मां जठे राजा सिवरी हुकूमत और उल्लू कश्मीर को बतावे रामेश्वर जी। और पछे बाबे भेरू ने मार अर उजरोड़ी भौं आवाज करी अर ओगड़ रुणी तो बसा। और भगवान का अनेकों भक्त होया, जैसे की अरदी भाटी भक्त डाली अकदी मूलवा रावण वाल दे रूपा दे जैसल तोड़ा दे लिखमोजी माली बक्षोजी खाती और अगुई बाबेरा भगते जगा हुंदा ही जाए। तो अब सुनो आप भाई रूपोंदे जी की कथा। भाई रूपोंदे जी को जन्म अपने ओ गजनेर ने कने बालालो कोटड़ो और बीकानेर जिला अठेरो बतावे। भाई रूपोंदे जी ठाकुर विदुर जी की बेटिया और इन्हें गुरु कौन आए करता के भाटी उधम सिंह जी अर्जी भाटी के पिता जगह बाबे रामदेव जी राधे ला रहे हैं। भाटी अर्जी सब दौड़िया करे, बारह महीना एक बार ढाणी आया करता और बाबे रो है जो जम्मू लगाया करता और वो ही बाद में रोमेणो और जात्री लोग जय जयकार करता वार बड़े रूनी ते जावे और भाटी उधम सिंह जी आतरे मोने तंदूरा मदिरा खा करे मोने झोली और भाटी उधम सिंह जी ढाणी आया। तो ठाकुर को ठकरोनी साहब सामने जाकर के और गुरु महाराज ने दंडवत प्रणाम करिए और कई राज वर्णन करे। अरे के धन मारो भाग अजमो गुरु दी पधारी आए, अरे मारे आदरो सूरत भलो जोरे दिए
बालदेव महाराज की। तो प्यारे सजनो, ठाकुर और ठकुरानी साहब सामने जाकर के और दंडवत प्रणाम करो, गुरु महाराज ने घरे लाया है और राग पर आज जो आप राखियो जो बाबेल है जो जम्मू राखियो। गुरु महाराज वेद विधि के साथ में पाठ अर्पण करके इन्हें अरोधी भजन चालू करिया और सुबह टेम रे ना ठाकुर विदुर जी देख करके बोले महाराज एक तो मारे भाई आरूपा और पहले देख दूं सुनी एक दानी रमा ने मेघवाला और छोकरो रे वे दारू नाम करके ये दो नुगरा है और गुरु उपदेश करो। तो आज भी कविराज लिखे के गुरु बिन माला फेर तेर गुरु बिन देते दान और के गुरु बिन काम हराम है यूं कहते हैं वेद और पुराण। गुरु उगम सिंह जी भाई रूपांदे ने और दारू ने उपदेश करियो और सुगरा करिया। गुरु महाराज तो सीख विद्या लेकर के अपने देश पधारिया और इन्हें भाई रूपांदे दी और दारू दोनों बन में जो गोपाछड़िया करावे। तो भाई रूपांदे जी देख और दारू ने केवने लागी बोले दारू जो गुरु महाराज जम्मू लगायो क्यों जो आपको लगा सको क्योंकि टाबर के दिमाग में बात है जी जल्दी फिट हुए आवारी घड़ी जे बूढ़ा बूढ़ा ने स्कूल गालियां लेनी तो रामेश्वर जी मास्टर ना हम ही गुरुजी महाराज क्योंकि कच्चे गडेरी है जो हमेशा मौत निकले। तो दारू देख के भाई रूपांदे ने कहे क्यों नहीं भाई साहब जरूर लगा सको। तो भाई रूपांदे जी एक धूड़ो चौकियो बनायो बाबेरी दरगाह और केतली पानी वाले ले गया है जो कलसरी मेल दी हुई है बाबा और एक लकड़ी तोड़ करके और तंदूरो बनाए क्योंकि अपनी टेमर में एक इलेक्ट्रॉनिक शाद होता कौन मारा भक्त है जो बीड़े माते बाबे रो जमो दिया करदा और दारू ने दो टिकटे दिए के ले दारू जींजा बना भाई और चगड़ी बाल करके जोत करिए और इन्हें भाई रोपा दे दी और दारू किसी प्रकार बाबे रो जमो लगावे। भाई रूपा जी कह रहे तेरा पहली जैसा प्रेम I'm not a
अजमल घर अवतार की, बोली सबके दरबार की। भाई रूपा जी देख करके हम लागे रे दारू, पहली जैसा के प्रेम हमेशा कोनी रेवे, और नेम धर्म तेरा थाना नहीं रेवे, और के पूछ डेरी बात बताऊ वीरो के वे। बोले दारू गुड़ से सींचो नहीं बड़ा, और के भी कदी न मीठा होवे, और दूधा धोया कोयला के भी कदी न उजला होवे। सही नीम ने की तो गुरु सिद्ध गुरु कड़वापन थोड़ी जावे। तो पेर भाई सा लिखे काते तोतन के तोनो तनियो और बिनिया पहली टूटे, अरे ओछे जलरो नाडियो के वो बरसने में सूखे। अरे भैया पहली जैसा प्रेम के हमेशा कोने रे, साद रे घर संखणी और के फूड रे घर नार, रोईडे ने के रूप दियो बड़ भूल गयो किरतार। अच्छो आदमी वे जन लारे हीरो है जो पूरी बार में ला दे, सोने के रितार और के रूपे अंधी सेली, अरे बोलिया रूपा दे भाई गुरु उगम सिंह जी री चेली। बोले भैया पहली जैसा प्रेम हमेशा कौन ही रहे। भाई रूपा दे दी और दारू दोनों है जो जमा जगावे, चाहे चौंदर पखवाड़ो हुए चाहे अंधेर पखवाड़ो हुए और चाहे सरादी क्यों नहीं हुए, बाबे राधी ने जो बड़ा ऐसे करते करते कई दिन बदी तो या, और इन्हें मेवा नगर में और ठाकुर है जो को रावण मालदे जी राज किया करता। एक समय रावण मालदे जी 10-20 घोड़ा और 10-20 संतरी साथ में लेकर गए और मेवागढ़ सुन पुगल चढ़ाई करी। तो बी टेम रे मोने पानी का साधन काय होया करता के पखालो ऊंट रे माथे पखाल है, और आटे की बालाले कोटड़े रे कने आया और पखाल रे मो पानी निकल गयो। संतरी जाकर के दरबार रागा बात करी, बोले दरबार पखाल में पानी नहीं है। बोले संतरी जाओ इन्हें बिने और क्यों पानी भी है जगह तलाश करो। संतरी बड़ो बड़ी ने दौड़िया, बाकी कथी पानी नहीं मिलियो, और ठाकुर है जो विदुर जी ढोणी नजर आई, बाकी ढोणी रे माने कोई समझदार आदमी नहीं। भाई रूपा दे जी और दारू दोनों है जो जम्मो लगावे बाबेरो। संतरी जाकर के और सख्त ऑर्डर लगायो और दारू हाथ में हेन देनी के नीचे बैठ जा, पांच बदन होया कौन है इसमें बोलो कौन है। बोले भाई साहब मोरे साथ में ब्याह कर दरबार है रावण माल दे दी और 10-20 घोड़ा साथ में 10-20 संतरी है और पखाल रे मोने कौन ही नहीं है। भाई रूपाल जी देख करके लागे रे, बोले संतरी कौन या लाठी क्यों पी लिया पड़े, अरे बाबू साहब क्यों लाउन घीवड़ा है और दरबार में क्यों ज्यादा फीस लागोड़ी है, तो आठ भेज दे और क्यों लोटो हाथ में नहीं देऊं और क्यों पानी है जो को जरूर पिला दे। संतरी जाकर के और दरबार आगे बात करी, रावण मालदेव समझ गया भाई आठ कड़ाई चले को नहीं, क्योंकि रावण मालदेव जी के और रूपा देव जी के पिछले जन्म को भी समझ बतावे। भाई साहब पिछले जन्म रे मोने और ठाकुर अलसी जी रे घरे और लालर नाम सो रहा जनी तो काव चाले के बेटे सुन बेटो बेटे सु के बेटी वाली और बेटो बलो कपूत अड़सी के घरे लाल नहीं होती जन अड़सी जावती अऊ तुम्हारा। तो संतरी जाकर के इसी बात करी और दरबार के चलो अमरावल माल दे दिया आवे और सब जना है जो लाइन बना करके बैठ जावे और भाई रूपा दे दी कोई ढूंढ रो तो क्यों बनाएड़ो बाबेरी दरगाह, और भाई रूपा दे दी और दारू दोनों हाथ जोड़ और खड़ा होया और बाबे ने कहे बोले रे बाबा अरे आज आरती करी आसुरे पहली में कलस उठाऊं। बोले बाबा आज क्यों आपरा पांच बदन होया कोनी, अरे जगह पहली मनो कलस उठाउनो पड़े। और भाई रूपा दे दी कहे बोले बाबा अरे आलाज बने रे वाली रा I'm
भोले बाबा रामदेव महाराज की। भाई रूपन जी कह रहे भोले बाबा आज आरती करिया सुनतेली में आप रोको सुटाऊं और सिर्फ परमार्थ रे वास्ते और आखी है जो को लाज राखिया। भाई रूपांदे जी सब संतरी मंत्री आ जगह ने हाथ मुंह धोकर की पानी पिलायो और दरबार ने पानी पिलायो घोड़ों ने पानी पिलायो और नए तो कह भी लोटे रे मुंह पानी निवड़ियो और नए दोबारा कल घड़े रे मुंह जो ने भरियो। अरे वारे बाबा पहलो परतो भाई रूपांदे जी ने बाबे रामदेव जी मुरादो दियो। रावण वालदेव जी मन में विचार करे बोले संतरी आ कोई जादूगरों की रानी है आपो तो क्यों इरमो आ फिसिया। हाँ तो अब श्यामरी भगत ठाकुर विदुर की रानी आवे भी टेमरे माने संतरी ने भेज करके और ठाकुर विदुर जी ने बुलावे रावण वालदेव जी। संतरी जा करके और ठाकुर विदुर जी ने कह बोले महाराज आपने मेवागढ़ दरबार और रावण मालदेव जी याद करे जन दरबार समझ गया कि भी आगे कोई दौरे जावे और कोई खर्चो कम पड़ गयो होसी क्योंकि भी टेम्बर में राजा महाराजा देवता जन महाराज एक दूसरे को नुए जो रामेश्वर जी खर्ची ले लिया करता। तो निवली रे मोने बिपिया बांध कमर में और घोड़े असवार हो और जाकर की खमा मुजरो मालूम करियो है जन रावण मालदेव जी आप पे बरोबर सीट दी है और धीरे से एक संतरी को केवाड़ियो बोले ठाकुर साहब आपकी लड़की रूपा दे और रावण मालदेव जी जो मांग करे। ठाकुर विदुर जी देख के बोले महाराज मैं तो आडो राजपूत और आप है जो बड़े ठिकोने रहा मैं थोने एक टेम पानी नहीं पिला सकू। रावण मालदेव जी देख के रे हो और पानी कौन बदियो अगलो तो ज्यादा में कहीं है नजदीक साव राख करके और भाई रूपांदे जी को ब्याह में जो दरबार के साथ में मांड दे। दरबार की बरात मेवागढ़ से बड़े धूमधाम के साथ में आई भाई रूपांदे जी के साथ में ब्याह हुयो और फ्रंट कैमरे में ने ब्याह या कर बड़े घरों में दासी दास दिया करता मिनक यार मिनखोरी जगह ढोनी में पहली कमी पड़े आगे पाछे अंधेरे री गई और दारू लो दे दारू ने भाई रूपांदे जी रे दाज दे दे। अरे अब इन्हें दरबार की बरात मेवागढ़ भी पंखड़ पहुंची भी टेम्बर में दरबार रावण माल जी देख रूबल दारू जी एक खेजड़ा बावड़िया खीपड़ा भोगड़ा सब्जियों में पड़ाई है क्योंकि अपनी सरद आ गई है। दारू देख रही तो दरबार के बजे गढ़ में आदर कोई करो वाठी उतर जाऊं रावण माल जी क्यों हाँ आप है जो वाठी उतर जाओ प्यारे सजनों दारू मुंह लेकर के उतर जावे और नहीं तो दारू कुछ मांगियो अरे मोटे लोगों में याद ही कोई आवे और इन्हें दरबार जकोरे आगे पहली रानी है जी चंद्रावली तो भी चंद्रावल ने दुआक देकर के और रानी रूपाली जी ने जो मेल री पटरानी बनाई है और इन्हें दारू दो चार दिन तो देखियो और पच गांव रे मां जाकर के एक कबाड़ो मांगर लायो और कबाड़ो वाड़ बाबेरी बटे एक कुटिया बनाई और ऊपर एक नेजो लगायो बाबे राम ने जी मारा और बट दारू भूख मुकाबला करन लागियो भी तू ही लेर बनी गाल। ऐसे करते करते कई दिन बदित होया और इन्हें एक दिन गुरु उगम सिंह जी मन में विचार करियो कि भाई रूपांदे जी को ब्याह कर दियो है मेवागढ़ दरबार रावण मालदेव जी के साथ में और दारू भी साथ में तो अपने चालन चाहिए। गुरु महाराज आत्रे मोने तंदूरा मदीरा आदि खाकरे मोने झोली सिर पर टोपी लगाई दी और मेवागढ़ रे मोने फिरे का कोई दारू रो घर बताओ कोई दारू रो घर बताओ दारू रो जो कोई वोटर लिस्ट में नाव नहीं कौन बतावे महाराज जन कोई राय आदमी देख करके गुरु महाराज ने कह बोले महाराज दारू थोड़ा यहाँ लाभ कौन है तो कभी राजवर्णन करें अरे आ गांव रे किनारे रे बाबा झोपड़ी दारू रे अरे के ढोणिया नी लादे तू ऊपर फर र र बजारे बाबा रे 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 रे
रिकॉर्डिंग हो रही है भाई रूपानंद जी की कथा गुरु कृपा साउंड सिंह गुरु रिकॉर्डिंग करता तारा तुर्जी सोनी और ऑर्गन पर बलदेव जी राणा राशिसर निवासी और ढोलक में साथ दे रहे भाई सिकंदर यादेसर निवासी और ऑटोपेट पर देव किशन राशिसर निवासी और मीठी मीठी दीन क्रिया जी की जनकार लगावे है हनुमान प्रसाद हाथी नोखा मंडी निवासी और भाई रूपानंद जी की कथा के गायक तोलाराम सोनी चिड़ियाला निवासी और ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है बाबा रामदेव जी महाराज के मंदिर पर ग्राम कुंतासर बोले बाबा थोड़े ढोनी है जो क्यों लादे कौन तो क्यों गांव किनारे दारू की कुटिया है अगर जे ढोनी यो नहीं लादे तो ढोनी ने माथे जो दजा लगाई दी है बाबा रामदेव जी महाराज री हर दजा ई गांव में थन केरी को मिले रे तो दारू है जो को छाजे की छाई बैठो और मन में विचार करे बेकार आलो दिन तो निकल गयो दोरो सोरो और आज आलो क्यों निकली इतने में गुरु महाराज नजर आया है और दारू दौड़ करके सामने जावे और दंडवत प्रणाम करे और कविराज वर्णन करे अरे सतगुरु आया ये संयम रे Yeah.
मन घर अवतार की। दारू के सतगुरु आया ये सैया मारे पावना और मैं के कायरी करूं मनवार और दारू मनी मन राजी हुए के लाला करूं बिछावना फिर मोटू करूं मनवार। गुरु महाराज ने डौनी लायो है और एक फाटड़ो सो तप्पड़ बिछायो है। लो महाराज ओ मुखमल रो गिदो है गे। और गुरु महाराज बैठ करके दारू में समाचार बाड़ी पूछा दारू की है थारे दारू देख जो नहीं ठीक है महाराज। हाँ भूख मरो और के मौज करो और कपड़ा फाटुड़ा के सेल करो। गुरु महाराज एक बार दारू भूख क्यों मारे बस्ती लंबी चौड़ी गणी है और साधु को जमारो है कोई मांगने की लाज है। बोले महाराज थोड़े ठाक बोले कोई दारू के अरे ई मेवा नगर में रावण माल दे दी तापे अठ क्यों मेवा कर दरबार को राज है। अरे बे तो पकड़ के बड़ी में ना दरबार राज करे और पहले दिन सोई बोरे के चिड़ बोले कोई के गांव रे मोने भगवान ने जो फेरी को फिर गए। गुरु मां देख रुवारे दारू राजा बड़ा क्यों संत और क्यों एक बात मन और याद आ गई। गुरु महाराज दारू ने के बोले सुन दारू गुरु महाराज के अरे आज दूजरो दिन अरे जगवण री असारे we
बोलिया जमल घर अवतार की। गुरु महाराज देख रखे दारू, आज क्यों दिन बहुत बढ़िया है, दूसरो दिन है। हाँ दूसरो दिन के जम्मू जगाउन भी है आशा, और ओ है के मोको साधु भेड़ा हो जाई खासा। मनड़ो को मूर्ख दारू के कई करे रासा, और एक दिन क्यों माई लेरी भैया निकल जावेला साशा। बोले दारू इंसान की देह है जगी एक कांच की तरह है, और एक दिन है जो कुमारा दी माई लेरी सासा निकल जावे, और आज दिन मैं क्यों तू यो करके बाबे रोए जो जम्मू राख ले। और यो करी आठ बारी रूपा दे दी है, और वे नहीं जमे रहा है जो आखा दे रहा है। दारू देख रखे बोले महाराज थे यो बताओ मारू मिलन आया हो को कोई कड़े करावन आया हो। अरे भाई उपाध्य जी क्यों पहली रेवता जो को रही तो दारू कहे बोले बाबा पहली रेवता नहीं जो को रहे तो सात के प्रोड़ वारे संतरी है आड़ा, और आत्म में सोट बेरी दे रखे है जाड़ा। अरे भगती बिना नर बे बोले है आड़ा, अरे के नित उठ उल्टा खोदे है खाड़ा। इस गांव रे मोने क्यों भाव भक्ति नहीं है। गुरु महाराज देख भी वाले दारू आछो डरपो के जगह खाड़ा खोदे वही नर पड़ेला। भैया तू यो करी भाई सारे मेल ठेठ नहीं जाइए तो कोई बात कोनी, भाई साहब क्यों मैं लाने नहीं देना है। आखा फेंक दई और आवाज लगा दई के बोले भाई साहब आज जम्मू है गुरु माते भाई भेजे है। दारू दे करके बोले महाराज इमे ही रोलो पड़ी काई माथेरी बात। अरे आगे चिड़ी और
बारी कारनाथ की। दारू के बोले महाराज रानी है दो ही के कथे देऊंला आवाज और सुनेला सिपाही तो मितावेला माथेरी खाज और आगे चिड़ी और के लारे बाज और अब लगा रखो हमारा गुरु महाराज। दूसरी क्यों रानी चंद्रावल है जकेरे मेल में एक ही आंखों की ओपरनी तो जमा ही जमा जागी क्यों कैंसिल करो का हुक्म कौन बाबेरो। गुरु महाराज देख के बोले वाले दारू आसो दर फोक है इयो करी तुम के भाई सारो मेल आवे जन आत्मा में विचार कर ली के बोले भाई साहब आज मारे जमो है एथोने गुरु महाराज मेरा ए वाइक ले जाए। दारू देख रही के बोले महाराज मन में तो घाट घड़ाई घड़ी जे पर पाछो आऊ जंठा लागी तो दारू गुरु महाराज वो भगवो चोड़ो फेरियो और सिर पर टोपी लगाई खा कर मोने झोली तंदूरा मजीरा आदि और गांव रे मो निकले। गांव रे किनारे एक बुढ़िया माता कोई डोकरी दे दारू है जगो कमले तनो वेस और नीचे सुरऊ तंदूरो चाड़ और दारू आवाज लगाई बोले दादी ओ डोकर और दारू के अरे तू सुन मारी बुढ़िया अरे तू सुन घर वाली माय फेरी साधु वो दवार और थानो कद को करे पुकार अर थोड़ी के फेरी गालो। गुरुदेव आया घरे पावना के मैं करूं जमेरो श्वास थोड़ी फेरी गालो। एक रोज कौन दिखा ले तो बन गुरु महाराज आ यार ई वेग में रिपज के जम्मू बढ़ दे प्यारी सजनो। डोकरी कोई बाबे ने हमस्ती अर उती कोई बाबे हमल रही खिचन रही होते लोटड़े रे लाग ते खारे बिठड़ी डेण की उती कोई उठे रही। अरे और रात की जमारो है जो किला दस एक प्रात भरी और चौंदीरो रुपयो मेल ऊपर अर्जा जे बाबेरी करी। अरे क्यों बाबा झोली मोलो थोड़ी दारू है जो झोली मोली और आधी झोली कर दी। दारू मनी मन राजी बोले वारे बाबा आज तो क्यों गुरु महाराज की कृपा है ये गांव री क्यों माया माया बहुत धर्मात्मा है मिनक तो कटा गत बाहर आई है। दारू मन में विचार करे के डर तो डर कने गियो मिटे तू आज गडरे आकर बे का तो कभी फिरी कोनी रिका जगो कुल्लो फिरी तंदुरो लोड करियो भाई साहिब दौड़ करो काम पड़े और बेधड़क बाबेरा भजन गाव तो वो दारू और गडरे आकर मिसरे रावण माल दे दिए जो तकतरे माथे विराजमान है बोले संतरी मारे गांव रे मोने और राम केरो निकले जो भीख मांगतो फिरे दरबार हो तो आप रो शालो है
पर मारो सालो समझियो कोनी बोले बालाले कोटड़े पनीर रे हाथे कौन आया बोले आओ आओ दारू जी बुलाओ आडे संतरी जाकर के और बिगल बजाई दारू है जो पाछल कोरी बोले तलवराला टाल माल दे जी बुलावे दारू देख विचार कर मन ही बात रो जिदरो प्यारी सजनो दारू जाकर के और जे बावेरी करी है और दरबार पूछे बोले क्यों दारू दी थोरे बोले ठीक है दरबार के पहले भी ठीक ही रही कही थो भल ठीक ही कर दी गए भूख मरो और मौज करो और क्यों कपड़ा फाटूड़ा और सेल करो इगर्स की हमारी देर नहीं रहती सो तारीख हाँ रावण माल भी समझ गया भैया सन पापनी वे और इनके यहाँ पदियों को जेबरे मोने हाथ गालियो 20 मोरो निकली सोनेरी बोले लो दारू दी ए ले जाओ और एक कपड़ा है जगह उतारो और दूसरा कोई कपड़ा है जगह बिया सिड़ाओ तो था तो पे दिए क्यों डबल लूजर दारू मनी में राजी बोले वारे बाबा आज तो क्यों गुरु महाराज रही है जी बड़ी बारी कृपा दारू कई देर बैठ करके और इज्जत मांगी बोले दरबार में हूँ जाऊं ढोनी जन दरबार देख करके बोले दारू जी थे फिर भाई साहब कभी मिलिया बोले कद आया जगदिल हाँ बोले आज जाओ यो करो थोड़ा भाई सारे दिन शनिवार उभरत है और सेवा संपत्ति करते जाओ मिलियो दारू के दरबार आगे लाल टोपी वाला उभर दरबार हाथ को साइन दस्तखत कर दिया है कि जिस को सिपाही तंग करे तो ओ मारा हाथ रो है जो को पट्टो बता दिया दारू है जो को इतो बिटो पावर मिलियो और जावे कचड़ो किनो जावे जावे और टक टक जाकर के भाई सारा मेम चढ़ियो और आवाज लगे बोले भाई साहब अपनी कहीं है जो मन को दूध हमारो गए कि सभा मंडल में है जो कि गैरी करो भाई और दारू के अरे थे मेला में बैठा सुनो नी भाई रूपाने बोले बाबा रामदेव महाराज की दारू के बोले भाई साहब आपने बारे में जो दारू भाई आए हुए भाई रूपांदे जी का तो सेवा संपत्ति करता और दारू की आवाज सुनी और नीचे देखे मेल सुन तो दारू रहे जो दो दो हाथ उदाड़ी बजूड़ी और गिटा ताई चोलो पेरने और सिर पर टोपी लगाई खा करे मोने झोली तंदूरा मजीरा आदि इस को रूप देख करके भाई रूपानी जी आंख रे मोने ये जगह तड़े कतड़े आंसू आवन लग गया है और भाई रूपानी जी कहूं लग रही बोले भैया अरे तू कह दे थारे मनड़े री बात बीरा दारू अरे भैया ए भगवान रे किस विदली Thank you.
बोले अजमल घर अवतार की। बोले रे भैया और बात तो सब ठीक है पर क्यों ये भगवा कद ले लिया दारू क्यों? बोले भाई साहब चिंता ना करो आधो घंटो गाड़ी चली है। बोले भैया मैं ना तो क्यों तू ही ठीक है भक्ति तो करे भगवान री मैं तो आठ आकर के और कैद में फंस गई नहीं तो कोई राम है और नहीं कोई श्याम है और अपने क्यों करी गुरु महाराज आया और तय दर्शन करिया दारू क्यों आज कही करेला वाले। बोले क्यों कि आज अपने जम्मू है और गुरु महाराज के जमे रह जगह आखा भेजा है और फिर जमे रह जगह वाइफ ले। बोले भैया मैं जमे राखा किया ले सकू अगर मैं जमे राखा ले लिया जमे में नहीं आई तो मैं वावेरी जगह आखा दोषी हो जाऊ इतनी महाराज मारी जगह मर्यादा हो जाकर संतान आज कल आखा कठी ले और जमा है जगह कठी लागे दारू मन में विचार करियो के ठेठ आईडा अब आखा नहीं दे जन कितनी जीती बात है दारू वही जता रात की जमा रो दबसो भरियो और बोले भाई साहब आखा नहीं लियो तो कोई बात कोनी पर गुरु ना जो प्रसाद भेजे हो तो ले भाई रूपाल जी दोनों हाथ मांडिया बोले गुरु महाराज रो प्रसाद क्यों नहीं लेते भैया हाथ लांबो करते ही और दारू है जो ठो देनी आखा रख दिया। बोले भाई साहब मन ठा को नहीं जम्मो आज हिंज जाइए और दारू के आखा थोड़ी बेगी आई क्योंकि थोड़ी भगत हुई आई भाई और के दो चार संग में तू औरों ने लाई क्योंकि जम्मे में तो होता ही चले कहीं छबा जुड़े महाराज और के इतना दिन लाग की मैंने अंडी खाई अब तू हमारी बेंदर हूं थारो भाई और दरबार आप तो है जो साइन दस्तखत करोड़ा है पटो है लिखोड़ो और उनकने भी है जो आज आ सको भाई उपाधि देख रही दारू के जुलम कर दिया भैया छड़ करके आका दे दिया यार मैं जम्मे में नहीं आई तो जम्मे री दोषी हो जाओ यूं कही भैया तू अरे निवण सिला मारा अरे भैया गुरु जी ने कही जे अरे भैया गुरु मां ने हमारा प्रणाम कह दई और मैं अगर जीवती रहेगी तो जरूर आऊंगा और भैया नहीं तोरे तू
की बात। बोली आज माले घर अवतार की भाई रूपन जी देखकर क्यों लगे, बोले भैया यूं करी तू के गुरु महाराज ने हमारा प्रणाम कह दई, अगर मैं जे जीवती रहेगी तो जम में जरूर आऊंगा। ए भाई कोई ए जगो छेला राम राम है दारू देख रही, बोले भाई साहब साथ पले राख्या झूठ मती बोलिया जाऊं क्यों करी बाबू, बोले दारू आखा देकर के और मन ही मन राजी होयो और गुरु महाराज का नार बात धोली है जगी खाली करी है। हीरा पना माणक मोती रात की जवान चौंदीरा रुपया मोरो इत्यादि गुरु ना देख जो दारू तू कहो तो नहीं गौर मोकी गाल ही कोई, बोले दयाल सब आपकी कृपा है, मने तो गालता दिन पहले ही गालता गए। तो अब गुरु महाराज और दारू दोनों जमेरी है जगी सामग्री लावे और तैयारी करे है। बोले बाबा रामदेव महाराज की, बोले सच्चे दरबार की।